जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि पुराने वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी एक सीरीज चल रही है जो मध्यकालीन भारत के इतिहास की है, जिसके तहत आज हम लोग सूर्यवंश को कवर करने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप लोग जाकर पुराने सभी वीडियोज देख लें। बात करेंगे हम लोग सूर्यवंश के बारे में, स्पेशली हम लोग बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। यह टाइम पीरियड कब का है, यह कब आता है, इसकी सत्ता कब तक चलती है, इसके उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए, इसने क्या ऐसे बदलाव किए कि इसके द्वारा लागू की गई नीतियों को आगे चल के अकबर ने भी अपनाया था, सारी चीजों को हम लोग डीपली समझेंगे। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर जितने भी कंटेंट दिए जाते हैं सब यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बोर्ड पर जितनी चीजें लिखी हैं सिर्फ इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे, बाकी चीजें जो मैं बोलूंगा उसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जहां पर इंपॉर्टेंट लगेगा आप लोग उसे लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो वंश है 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक चलता है। कैसे? सर, कल के वीडियो में आपने बताया कि हुमायूं का जो शासन पीरियड था वह 1530 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक चलता है, तो इसके बीच में यह कहां से आया? तो जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़े हैं वो थोड़ा मेरी बातों को सुनेंगे, बाकी जो नए हैं जिन्हें नहीं पता है ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। टाइम पीरियड था जब हुमायूं गुजरात में युद्ध कर रहा था। गुजरात से युद्ध करने के बाद जब वह वापस आ रहा था 1539 ईस्वी में, तो उसी समय शेरशाह इसकी प्रतीक्षा कर रहा था कर्मनासा नदी के तट पर, जो गंगा नदी के पास में पड़ती है कर्मनासा नदी। यह क्षेत्र कहां पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। वहां पर चौसा नामक एक स्थान था, वहीं पर यह प्रतीक्षा कर रहा था हुमायूं का। जब हुमायूं यहां पर आता है तो उससे यह युद्ध करता है। यह अचानक से उससे युद्ध क्यों करता है, सारी चीजें समझने के लिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लें। चौसा के युद्ध के बारे में डीपली मैंने वहां पर बताया है और यह भी बताया था कि चौसा के युद्ध के बाद ही सूर्य वंश की स्थापना होती है जो 1555 ईस्वी तक चलती है। तो आज स्पेशली हम लोग सूर्य वंश को और शेरशाह सूरी को समझेंगे, ठीक है? तो चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं को यहां पराजित कर देता है, तो मुगल वंश की सत्ता को पूरी तरह से भारत से यहां खत्म कर देता है। पहला शासक बाबर था। बाबर 1526 में पानीपत के युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना करता है। लेकिन जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद हुमायूं सत्ता में आता है और हुमायूं अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहा होता है, विस्तार कर रहा होता है। उसी समय इसकी जंग होती है चौसा में, किससे? तो शेरशाह सूरी से। तो उम्मीद है कि बैकग्राउंड आप लोग समझ गए होंगे। तो उस चौसा के युद्ध में यह हुमायूं को पराजित कर देता है। उसके बाद एक और युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, जिसे कहते हैं कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। उसमें हुमायूं इस पर अटैक करता है कि मैं अपनी सत्ता को पुनः वापस ले लूं, लेकिन उस कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को यह बुरी तरह से पराजित कर देता है और हुमायूं युद्ध छोड़कर भाग जाता है। तो इस तरह से दिल्ली और आगरा पर भी सूर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो 1540 ईस्वी में हम लोग कहेंगे कि सूर्य वंश की स्थापना होती है किस युद्ध के बाद, तो कन्नौज या फिर बिलग्राम युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध में वह केवल हुमायूं को पराजित करता है, लेकिन जब 1540 ईस्वी में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है तो उसमें यहां उसे पराजित करके दिल्ली पर भी अधिकार कर लेता है, क्योंकि उस समय प्रशासनिक राजधानी दिल्ली ही थी, तो पूरे भारतवर्ष में इसका शासन हो जाता है। धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, आगे चल के इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके कुछ उत्तराधिकारी आते हैं, 2 से 4 वर्षों तक शासन करेंगे। लास्ट में जैसे कि आप लोग देखेंगे जो आएगा इस्लाम शाह, इसका पुत्र जो 1545 में शासक बनेगा वह 1555 ईस्वी तक सत्ता में रहता है। उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो पूरी तरह से जो सूर्यवंश है विघटन की ओर चला जाएगा, उत्तर सूर्यवंश का काल चलेगा, जिसके तहत 2-3 छोटे मोटे शासक आएंगे। उसी समय हुमायूं अपने आप को देखता है कि इस समय भारत में प्रवेश करने का अच्छा समय है, वह भारत में आता है और सिकंदर शाह को पराजित करके वह भारत में फिर से मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो 1540 से लेकर 1555 तक के टाइम पीरियड को हम लोग आज समझेंगे। चलिए आते हैं हम लोग बोर्ड पर।
जो शेरशाह सूरी था उसका ये नाम नहीं था, उसका दो नाम था। पहला फरीद खान था, फरीद खान के बाद इसे एक उपाधि मिलेगी शेर खां की, शेर खां के बाद इसे उपाधि क्या मिलती है तो शेरशाह सूरी की, जब यह चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देगा। सारी चीजें समझेंगे, पेशेंस बना के रखिएगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग नोट्स भी बनाएंगे। शेरशाह के बचपन का नाम जो था वह फरीद खान था। शेरशाह का टाइम पीरियड क्या है तो शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड 1540 से 1545 ईस्वी तक रहता है। बचपन का नाम फरीद खान है। इसके पिता का नाम हसन खां था, जो बिहार के एक क्षेत्र सासाराम के जमींदार थे। बिहार में सासाराम नामक एक क्षेत्र था, उसके वहां जमींदार थे इसके पिता हसन खां। छोटे एग्जाम्स में यहां से प्रश्न बन सकता है। इसकी जो शिक्षा हुई उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई, उसके बाद इसने 1497 से 1518 ईस्वी तक अपने पिता की जागीर अर्थात सासाराम की जागीर को यह संभालता है। इसके जन्म का डेट मैंने नहीं बताया है क्योंकि जन्म के डेट को लेकर कंफ्यूजन रहता है। दो टाइम पीरियड बताया जाता है, कहीं पूछा भी नहीं गया है। पहला इसका शासन पूछा गया है तो वह अपने पिता की जागीर सासाराम पर यह शासन करता है 1497 से 1518 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद दक्षिण बिहार का एक सूबेदार था जिसका नाम था बहार खान लोहानी। यह अपनी सत्ता को सासाराम में संभाले रहता है, लेकिन देखिए क्या होता है कि जो हसन खां था, हसन खां इसका पिता, उसने कुल चार शादियां की थी। चार शादियों में उसके आठ पुत्र थे, लेकिन जो हसन खां था इससे उतना प्रेम नहीं करता था। किससे, क्या नाम था इसका उस समय, फरीद खान से। ठीक है, तो फरीद खान को सौतेली मां का व्यवहार और पिता का जो रुख था अपनी तरफ नहीं लगा, तो वह सत्ता छोड़कर बहार खान लोहानी के संरक्षण में चला जाता है और वहां नौकरी कर लेता है। तो पिता से इसका अच्छा संबंध ना होने के कारण और सौतेली मां के द्वारा किए गए बर्ताव के कारण यह बहार खान लोहानी के संरक्षण में चला जाता है। कहां पर, जो दक्षिण बिहार का एक सूबेदार था, शासक नहीं था। ठीक है, उसके बाद लोहानी ने ही इसे शेर खां की उपाधि दी। ऐसा कहा जाता है कि शेर खां की जो उपाधि इसे मिली थी वह लोहानी ने ही दी थी। कैसे, तो माना जाता है कि जब यह इसके संरक्षण में काम कर रहा था बहार खां लोहानी के, उसी समय इसने एक शेर को मौत के घाट उतार दिया था, इस वजह से इसे शेर खां की उपाधि दे दी थी बहार खां लोहानी ने। उसके बाद क्या होता है कि बहार खां लोहानी एक सूबेदार था, लेकिन आगे चलकर यहां अपने आप को मुहम्मद शाह के नाम से स्वतंत्र घोषित कर देता है और दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है। तो वहां से क्या होता है, जब लोहानी का नाम मुहम्मद शाह पड़ता है और वह स्वतंत्र हो जाता है, तो शेर खां जिसे उपाधि दी गई है शेर खां की, यहां है फरीद खानी, ठीक, अर्थात शेर शाह सूरी। तो शेर खां इसके स्वतंत्र होने के बाद चला जाता है, बाबर की सेना में शामिल हो गया। उस समय बाबर भारत में प्रवेश कर चुका था, तो यहां बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। और जब बाबर का चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के साथ, उसमें मेदिनी राय की पराजय होती है और बाबर की मदद कौन करता है, तो शेर खान करता है। ठीक, उसी समय का एक वाक्य है, कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि इस शेरशाह सूरी ने चंदेरी के युद्ध के बाद एक वाक्य बोला था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं हिंदुस्तान से मुगल वंश को बहुत जल्द ही बाहर खदेड़ दूंगा। देखिए, ऐसे वाक्य अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान से सुना करिए और समझा करिए किस टाइम पीरियड पर किस शासक ने कहा, यह पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो जब चंदेरी के युद्ध में यह बाबर की मदद करता है, तो यह देखता है कि बाबर बहुत ज्यादा आक्रामक मूड में है, आक्रांता है, वह पूरे भारतवर्ष पर विजय चाहता है। तो इसके माइंड में कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें याद आई, क्योंकि शेरशाह सूरी भी एक अफगान शासक ही था और बाबर ने अफगान शासक ही थे जो लोधी, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोधी वंश थे, उसमें से लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को ही पराजित करके बाबर ने भारत में दिल्ली सल्तनत को खत्म किया था। तो कहीं ना कहीं शेर खान भी एक अफगान ही था, तो इसके भी मन में था कि मैं बाबर या फिर मुगल वंश को पूरी तरह से खत्म करूंगा। तो चंदेरी युद्ध के बाद ही इसने एक वाक्य बोला था कि भाग्य ने अगर मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं बहुत जल्द ही हिंदुस्तान से मुगल वंश की समाप्ति कर दूंगा। तो ये वाक्य याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, यह फिर से वापस आता है कहां पर, दक्षिण बिहार में, किसके पास, जिसका नाम इसमें मुहम्मद शाह पड़ गया है, बहार खां लोहानी के पास आता है और बहार खां लोहानी के पुत्र जलाल खां का यह संरक्षक बन जाता है।
ध्यान से समझिएगा, इसका लाइफ जो है ना इसकी किस तरह से यूटर्न ले रही है, भटक रहा है। यहाँ पहले यहाँ क्या करता है, पिता से रंजिश होती है इसकी, तो यहाँ चला जाता है किसके पास, मोहम्मद शाह के पास, जिसका नाम उस समय क्या था, बहार खां लोहानी। फिर जब बहार खां लोहानी सूबेदारी की सत्ता से अपने आप को स्वतंत्र करता है तो यहाँ बाबर की सेना में चला जाता है, और जब बाबर मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित करता है तो बाबर की सेना को छोड़कर यहां फिर से आ जाता है मोहम्मद शाह के पास, और मोहम्मद शाह इसे अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर देता है, क्योंकि इसकी प्रतिभाओं से वह पूरी तरह से परिचित था मोहम्मद शाह। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि अचानक से मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी लाइफ यहां से हाई लेवल की होने वाली है। जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है तो मोहम्मद शाह की जो विधवा थी दूदू बेगम से यहां विवाह कर लेता है। कौन, शेर शाह सूरी, जिसका नाम उस समय क्या था, शेर खान था। ठीक है, शेर खान ने मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम अर्थात जलाल खां की मां से विवाह कर लेता है, और उसके बाद जलाल खां बंगाल भाग जाता है। देखिए बंगाल क्यों भागता है, जो उस समय के सूबेदार थे जो उन लोगों ने कहा कि यह एक अफगान शासक है और तुम्हारे पिता की गद्दी को हड़प लिया है, कहीं ना कहीं इससे तुम्हें भी खतरा है, इस वजह से तुम हम लोगों के साथ मिलकर बंगाल चलो। तो जलाल खां पूरी तरह से दक्षिण बिहार को छोड़कर सूबेदारों के साथ भाग जाता है, कहां पर, बंगाल में। ठीक, जैसे ही जलाल खां यहां से जाता है तो जलाल खां के भागने के बाद यह दक्षिण बिहार का प्रधान शासक बन जाता है, तो यह पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। कई बार यूपीएससी में भी प्रश्न बना है कि शेर खान ने हजरत ए आला की उपाधि कब प्राप्त की थी, तो जब यहां दक्षिण बिहार का पूरी तरह से शासक बन जाता है तो हजरत ए आला के नाम से इसने गद्दी को संभाला था, तो ये उसकी उपाधि हुई। उसके बाद क्या होता है, चुनार का जो किला था, चुनार के किला में 1530 ईस्वी में उसका जो किलेदार था उसकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही 1530 ईस्वी में चुनारगढ़ के किलेदार की मृत्यु होती है तो उसकी जो वाइफ थी लॉर्ड मलिका, यह भी विधवा हो जाती है, और यह बंदा मौका देखता है और लॉर्ड मलिका से भी विवाह कर लेता है। अब देखिए इसने किससे विवाह किया, दूदू बेगम से विवाह करके दक्षिण बिहार को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया। उसके बाद चुनारगढ़ के किलेदार की महिला, सॉरी उसकी वाइफ लॉर्ड मलिका से यहां विवाह कर लेता है जब वह विधवा हो गई, और इस तरह से वह चुनार किले पर भी 1530 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। तो अब आप लोग ये देखिए कि जो चुनारगढ़ का किला था वह अवध क्षेत्र का था, दक्षिण बिहार पर इसका शासन था ही, तो जब यह देखता है कि मैं धीरे धीरे मजबूत हो रहा हूं तो यह अपना साम्राज्य विस्तार करने लग जाता है। उसके पहले इसे बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा, आइए इसके संघर्ष के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके प्रारंभिक संघर्ष का दौर जब चलता है, 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य। ये मैंने आप लोगों को कल भी युद्ध पढ़ाया था, पिछला वीडियो देख लेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 1532 में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी की यहां सहायता करता है हुमायूं के अगेंस्ट जाकर। ठीक, तो जब महमूद लोदी उसमें पराजित हो जाता है, हुमायूं उससे संधि कर लेता है, उसके बाद यह दोहरिया को छोड़कर अर्थात महमूद लोदी को छोड़कर चुनार अर्थात अपने किले में भाग जाता है। कौन, शेर शाह सूरी। तो उस समय 1532 ईस्वी में ही हुमायूं इससे गुस्साया हुआ था और बदले के लिए इसका पीछा करते हुए चुनारगढ़ का घेरा कर देता है। जब हुमायूं चुनारगढ़ या फिर चुनार किले का घेरा करता है तो यह उससे युद्ध करने की स्थिति में नहीं था शेर खान, तो उसने हुमायूं से संधि कर ली। ये सारी चीजें पिछले वीडियो में मिलेंगी, आप लोग समझ लेंगे। तो यह संधि कर लेता है और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देता है एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ। उसके बाद 1534 ईस्वी में इसे टाइम मिलता है तो यह सूरजगढ़ का युद्ध करके बंगाल को पूरी तरह से जीत लेता है। ठीक, अब होगा चौसा का युद्ध। जब यहां बंगाल को जीत लेता है उसके बाद यहां बंगाल में ही क्या करता है, प्रतीक्षा करने लग जाता है। किसकी, तो उसका नाम था हुमायूं का। हुमायूं उधर से विजय करके आ रहा था तो 1539 ईस्वी में यह चौसा का युद्ध लड़ता है। किससे, हुमायूं से। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि होता ऐसा है कि गंगा नदी और कर्मनासा नदी के बीच में चौसा पड़ता है, वहीं पर यह रुका होता है अपनी सेना लेकर, प्रतीक्षा कर रहा था हुमायूं का। जैसे ही हुमायूं इसके पास पहुंचता है तो उस समय का जो मौसम था वह बरसात का नहीं था, तो यह प्रतीक्षा करने लगा कि जब बरसात होगी या फिर वर्षा का मौसम आएगा उसी समय में हुमायूं की सेना पर अटैक कर दूंगा। सेम वही चीज हुई, जून में बारिश होनी स्टार्ट हुई तो इसने रात के अंधेरे में हुमायूं पर अटैक कर दिया। जैसे ही इसने हुमायूं पर अटैक किया, हुमायूं पूरी तरह से घबरा गया और अपने घोड़े समेत वह गंगा नदी में कूद जाता है।
जैसे ही वह गंगा नदी में कूदता है तो वहां निजाम नामक एक भिस्ती रहता है जिसने हुमायूं की जान बचाई थी, और हुमायूं इस तरह से लज्जित होकर शेर शाह सूरी से पराजित होकर भाग जाता है। इस प्रकार उस युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि ग्रहण करता है कौन? शेर खान, जिसका नाम है, पहले इसका नाम फरीद खान था, बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। आगे चलकर चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद यह व्यक्ति शेर शाह की उपाधि प्राप्त करता है। उसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है, कन्नौज के युद्ध में यह फिर से हुमायूं को पराजित करता है और दिल्ली तथा आगरा पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए प्रयासों और झेली गई यातनाओं के बाद भी वह आगे चलकर 1540 में पूरे दिल्ली का क्या हो जाता है, शासक बन जाता है। लेकिन भारत में जो शासन का केंद्र था या फिर प्रशासन का केंद्र बिंदु था वह दिल्ली था, तो मतलब कि जब वह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो पूरी तरह से मुगल वंश का लोप हो जाता है। तो यही बीच का टाइम पीरियड है। आप लोगों से पूछा भी जाता है कि मुगल वंश की समाप्ति एक बार बीच में भी होती है, कब होती है, किस शासक के टाइम पीरियड में होती है, टाइम कौन सा है और किसने पराजित किया। तो हुमायूं के टाइम पीरियड में 1540 से 1555 ईस्वी तक सूर वंश का शासन चलता है, किसकी बदौलत? शेर शाह सूरी की बदौलत। इस फरीद खान ने शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी के द्वारा ली, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि ली थी। पॉइंट रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। कन्नौज के युद्ध में दिल्ली आगरा को जीत लेता है, अब इसे लगता है कि मैं अवध हो गया, बिहार हो गया, सारे क्षेत्रों पर मेरा अधिकार है, अब मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा। तो इसने सबसे पहले क्या किया, 1541 ईस्वी में गखर प्रदेश पर अटैक करके पेशावर को अपने कब्जे में ले लिया। गखर क्या है? तो जब चौसा का युद्ध यहां लड़ा था किससे? हुमायूं से। तो हुमायूं की सहायता की थी गखर जनजाति, तो गखर जनजाति पर अटैक करके यहां पेशावर को कब्जे में लेता है। फिर 1541 में बंगाल में कई विद्रोह चल रहे थे, उन विद्रोहों का दमन किया। देखिए होता क्या है ना, यहाँ बंगाल पर तो पहले से ही अधिकार किया हुआ था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर बंगाल को जीत लिया था सूरजगढ़ के युद्ध में 1534 में। लेकिन जब यहाँ दिल्ली में जाता है सत्ता संभालने तो बंगाल इससे दूर हो जाता है और वहां के जितने भी सूबेदार या फिर अफगान शासक थे, इसके सामंत थे, वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। लेकिन 1541 में यहाँ सभी विद्रोहों का दमन कर देता है। 1542 ईस्वी में यह मालवा पर अटैक करता है। मालवा का शासक मल्लू खां या फिर कादिर खां के नाम से जाना जाता था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद आप लोग याद रखेंगे। 1543 में यह रायसीन पर अटैक करता है और वहां के राजा पूरन मल को धोखे से पराजित करता है। यहां की एक इंटरेस्टिंग कहानी है, होता क्या है कि यहां रायसीन पर अटैक करता है और राजा पूरन मल किले के अंदर रहते हैं, इससे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई दिनों तक, कई महीनों तक इसकी सेना किले के बाहर खड़ी रहती है और यह व्यक्ति एक संधि पत्र उनके पास भेजता है, राजा पूरनमल के पास, कि आप एक काम करिए, आप किला हमें सौंप दीजिए और धन दौलत हमें दे दीजिए, मैं आप पर अटैक नहीं करूंगा। तो वो संधि को नहीं मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरनमल इस संधि को नहीं मानते हैं। तो ये शेर शाह सूरी कुरान की कसम खाता है और कहता है कि मैं कुरान को साक्षी मानकर इसका कसम खाता हूं कि अगर आप किला और पूरी जागीर, पूरी संपत्ति हमें सौंप देंगे तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस बात को वह मान जाते हैं क्योंकि इन्हें भरोसा था कि यहां अफगान है, मुसलमान है, कुरान को सही तरीके से मानता है। तो राजा सूरजमल जो थे, ठीक है, पूरनमल किले से बाहर आ जाते हैं, एक कैंप में रुक जाते हैं, जागीर और किला इसे देते हैं। लेकिन यह इंसान धोखा करता है, रात के टाइम में यह उस तंबू पर अटैक करता है, जो राजपूत लोग थे वहां पर, पुरुष वर्ग के लोग थे, उन्हें पता चल गया कि अब यह हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो उन्होंने अपनी पत्नियों को अपने हाथ से मौत के घाट उतार दिया, या फिर कुछ लोगों ने जौहर कर लिया वहां से हटके, और जो पुरुष वर्ग के लोग थे शेर शाह सूरी से युद्ध करते हैं और पराजित हो जाते हैं। तो इस तरह से धोखा करके यहां रायसीन पर भी अधिकार कर लेता है। उसके समय जब यहां कुरान की कसम ले रहा था तो इसका पुत्र कुतुब खां था, जो हुमायूं के संरक्षण में गया हुआ था, कुतुब खां इसके साथी था, उसने इसे कुरान की शपथ लेते हुए देखा था और अपने पिता के द्वारा किए गए वादे को ठुकराने पर यह ग्लानी से आत्महत्या कर लेता है। कौन? कुतुब खान, ठीक है। तो ये स्टोरी है, ध्यान से याद रखेंगे। उसके बाद रायसीन पर अधिकार करने के बाद मारवाड़ पर अटैक करता है 1544 ईस्वी में। कहीं ना कहीं मारवाड़ के राजा, राजा मालदेव से भी इसी तरह से छल करता है। यहाँ करता क्या है कि राजा मालदेव के पास एक पत्र तैयार करता है और भेज देता है। देखिए
जो ये लोग थे राजपूत थे, इसे राजपूतों से खतरा था। तो इसने क्या किया कि जो राजा थे मारवाड़ के, राजा मालदेव, जोधपुर का क्षेत्र था यहां, इनके पास उनके राजपूत सेनानियों की तरफ से, जो उनके सेनापति थे उनकी तरफ से यहां स्वयं एक पत्र लिखता है। उनके सेनापतियों को भी पता नहीं है राजा मालदेव के, लेकिन यह एक झूठा पत्र तैयार करता है कि मैं राजपूत हूं, आपका सेवक हूं, आपका सेनानायक हूं, आगे चलकर जब आप शेरशाह सूरी से युद्ध करेंगे तो हम लोग आपको धोखा देंगे और हम उसे समर्पण कर देंगे। तो इस बात से जो राजा थे वह डर जाते हैं राजा मालदेव, और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं कि हमारे जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे सेनापति हैं, उन्हीं का पत्र जब हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं से कि ये लोग हमारे साथ आत्मघात करेंगे, मेरे ऊपर ही अटैक करेंगे, शेरशाह सूरी की मदद करेंगे, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। जबकि यह पत्र शेरशाह सूरी ने ही लिखकर उन्हें भेजा था राजा मालदेव को, ठीक है। तो इस तरह से इस मिशन में वह कामयाब होता है। लेकिन जो राजा मालदेव के कुछ और राजपूत लोग थे जो सेनानायक थे, उनमें से दो प्रमुख हैं, जैता और कुंभा को अपने अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को दिखाने के लिए, इन दो राजपूतों ने, जैता और कुंभा नामक सेनानियों ने संघर्ष किया। किससे? तो शेरशाह सूरी से। लेकिन शेरशाह सूरी इन दोनों को पराजित कर देता है। तो कहीं ना कहीं छल कपट इन सब के माध्यम से यहाँ रायसीन और मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। उम्मीद है स्टोरी समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए एक और वाक्य है, ध्यान से सुनेंगे। मारवाड़ के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के संपूर्ण साम्राज्य को खो देने के कगार पर था। ये वाक्य भी यूपीएससी में पूछा गया है कि वो कौन सा टाइम पीरियड है या वहां कौन सा युद्ध है जिसके बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के संपूर्ण साम्राज्य को खो देने के कगार पर था। कहीं ना कहीं यह राजपूतों की शक्ति से क्या हुआ था, भयभीत हो गया था, डर गया था। अब आप मानिए कि सिर्फ दो राजपूत सेनानायक जैता और कुंभा ने इससे युद्ध किया, तो इस तरह का वाक्य बोल रहा है अगर यह उनमें फूट ना डालता, पत्र ना लिखता और राजा मालदेव पूरी सेना के साथ इस पर अटैक करते तो कहीं ना कहीं यह पराजित हो जाता। इसी डर से इसने यह वाक्य बोला कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के संपूर्ण साम्राज्य को खो देने की स्थिति में था। तो यूपीएससी में यहां से भी प्रश्न बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है इसके जीवन का अंतिम युद्ध। कई बार पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने अपने लाइफ का सबसे लास्ट वार कौन सा लड़ा था, कौन सा युद्ध, तो कलिंजर का युद्ध था जो 1545 में लड़ा गया। बुंदेलखंड के राजा कीरत सिंह से इसका युद्ध होता है। इसी युद्ध में उक्का नामक तोप का गोला बारूद के ढेर पर गिरता है और उसी की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए यहां भी एक स्टोरी है। जब यह बुंदेलखंड पर अटैक करता है तो राजा किले से बाहर नहीं आता है कीरत सिंह, तो यह गोले दागता है किले की दीवारों पर। तो यह कई बार प्रश्न बना है छोटे एग्जाम में कि उस तोप का नाम क्या था, तो उक्का नाम की एक तोप थी, उसने गोला दागा और किले की दीवार से टकरा कर वह वापस आया और शेरशाह सूरी के बगल में रखे बारूद के ढेर पर गिरता है, वहां विस्फोट हो जाता है और वह घायल हो जाता है पूरी तरह से। लेकिन फिर धीरे धीरे दीवार को तोड़ दिया जाता है, यह व्यक्ति जीवित ही रहता है घायल अवस्था में और पूरी तरह से राजा कीरत सिंह को पराजित करके कालिंजर अर्थात बुंदेलखंड पर अधिकार हो जाता है। जब शेरशाह सूरी को यह पता चलता है तो 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की हंसते हंसते मृत्यु हो जाती है। कि उसके अंदर ग्लानि नहीं थी कि हम कीरत सिंह को पराजित नहीं कर पाए, तो ऐसा कहा जाता है। अब आते हैं इसके उत्तराधिकारियों पर। तो आदिल खां और जलाल खां नामक दो उत्तराधिकारी थे, क्योंकि इसका जो पुत्र कुतुब खां था उसने आत्महत्या कर ली थी इसी की ग्लानि से। तो इन दोनों में शासक बनता है जलाल खां, जो 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन करता है। जब यहां गद्दी पर बैठा तो इस्लाम शाह के नाम से शासक बनता है। पहला संघर्ष यह आदिल खां अर्थात अपने भाई से ही करता है और इसे विजय की प्राप्ति होती है। यह आदिल खां को पराजित कर देता है। कई अन्य विद्रोहों का भी यह दमन करने लगता है, क्योंकि कई सूबेदार या फिर कई सामंत इसके खिलाफ थे, सबका यह दमन करने लग जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके टाइम पीरियड में जो राजपूत लोग थे, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रांत के शासक थे इसके जूते को भी सलाम करते थे। यह इतना क्रूर, निर्दयी और आक्रांता हो गया था। कौन? तो उसका नाम था इस्लाम शाह, ठीक है। उसके बाद 1553 ईस्वी में बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो कोई बढ़िया उत्तराधिकारी इसके पास नहीं था। इसका एक पुत्र था फिरोज शाह, जो केवल 12 वर्ष का था, उसे
शासक बना दिया गया, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर फिरोज शाह के मामा अर्थात इस्लाम शाह के साले ने, जिसका नाम मुमारिज खान था, फिरोज शाह की हत्या कर दिया। केवल 3 दिन के लिए फिरोज शाह शासक बनता है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि सूरी वंश में सबसे कम समय के लिए शासक कौन बनता है? तो वह इस्लाम शाह का पुत्र फिरोज शाह था, जो केवल 12 वर्ष का था और 3 दिन के लिए शासक बना। 3 दिन के बाद उसके मामा मुमारिज खान ने फिरोज शाह की हत्या कर दी। जैसे ही फिरोज शाह की हत्या होती है, साम्राज्य 5 भागों में बट जाता है। उसमें से 2 प्रमुख पार्ट निकल के आए, मुहम्मद आदिल शाह का और सिकंदर शाह सूरी का। ठीक है, तो जो मुहम्मद आदिल शाह था उसे चुनार और बिहार का क्षेत्र मिला। उसके बाद सिकंदर सूरी आता है, जो पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अधिकार करता है। ठीक है, देखिए जलाल खान, जिसका नाम इस्लाम शाह था, 1453 ईस्वी में मर जाता है, लेकिन जो 2 वर्ष का टाइम बचता है, 54 और 55 का, उस बीच में ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। लास्ट में क्या होता है कि सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। कल के वीडियो में आपने समझा था, हुमायूं इसमें सिकंदर शाह को पराजित कर देता है और पूरी तरह से सूर्य वंश की समाप्ति हो जाती है और भारत में फिर से वापस आ जाता है मुगल वंश। और 1 वर्ष तक शासन करने के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है अकबर महान। तो ये सारी चीजें हम लोग कल के वीडियो में समझेंगे, लेकिन एक पॉइंट है, आप लोग ध्यान देंगे कि देखिए, जब हुमायूं आया तो सिकंदर शाह सूरी, जो पंजाब और आगरा तथा दिल्ली का शासक था, इसे पराजित कर देता है, लेकिन आदिल शाह स्वतंत्र रहता है चुनार और बिहार के क्षेत्र पर। तो यही आदिल शाह है जिसका सेनापति हेमू था, आगे चल के अकबर से युद्ध करता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, कल के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अकबर को, तो सारी चीजें क्लियर होंगी। आई होप कि ये मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है और इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को नई चीजें सीखने के लिए मिली हैं। अगर आप चाहते हैं अपने सपने को साकार करना और यूपीएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बात की मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि सभी कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।